हे दोस्तों, अगर मैं बात करूँ पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में और जो लास्ट टाइम पे मैंने SGFC का वीडियो बनाया और उस पर मुझसे सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा गया वो ये पूछा गया कि सर आप हमें ये बताइए, ये कन्फ्यूजन हमारी दूर कर दीजिए, क्या पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट से हम अपने पैसे को डबल कर सकते हैं। तो दोस्तों आप बने रहिए मेरे साथ आज इस वीडियो के अंदर, क्योंकि मैं आपको इसी सवाल का जवाब देने वाला हूँ कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड से पैसा डबल नहीं बल्कि ट्रिपल भी किया जा सकता है, और वो किस तरीके से किया जा सकता है वो पूरा का पूरा प्रोसेस आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं आप ही का अपना यूट्यूब चैनल मिस्टर कश्यप। दोस्तों अगर मैं बात करूं यहां पे पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट के अंदर तो कौन लोग एलिजिबल हैं, जो कोई भी यहां पे पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट खोलना चाहते हैं उनके लिए एक आईडी प्रूफ की रिक्वायरमेंट है, एक एड्रेस प्रूफ की रिक्वायरमेंट है, और साथ में मुझे चाहिए होंगे, या फिर माफ कीजिएगा मुझे नहीं चाहिए, वो चाहिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड ओपनिंग करने वाली बैंक को जो कि है SDFC, उसे चाहिए आपके दो फोटोग्राफ्स। अगर आप ये अरेंज कर सकते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप 100% एलिजिबल हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट खोलने के लिए। अगर मैं बात करूँ HDFC बैंक के अंदर फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल सेम टू सेम दिए जा रहे हैं। यहां पे 500 रुपए से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक की मैक्सिमम आप पॉलिसी ले सकते हैं साल भर के अंदर। जो टेन्योर होगा 15 साल का होगा, एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और साथ में लोन की फैसिलिटी और नॉमिनेशन की फैसिलिटी भी आपको इस वाले पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट में देखने को मिल जाती है। लेकिन दोस्तों मुद्दे की बात ये नहीं है, मुद्दे की बात यह है कि हम अपने पैसे को किस तरीके से डबल कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने पैसों को ट्रिपल कर सकते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट के अंदर। तो दोस्तों मैं लिए चलता हूँ आपको एक कैलकुलेटर के ऊपर, जिस कैलकुलेटर के ऊपर मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से एक्चुअल में आपका पैसा बेयर मिनिमम भी अगर मैं बात करूं तो डबल किया जा सकता है। तो दोस्तों मैं लेकर के आ गया हूं आपको एक कैलकुलेटर के ऊपर, जिसका लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। अगर आप चाहें तो वहां से जाकर के आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, और अगर आप चाहें तो यहां पे आकर के भी कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। दोस्तों लेट सपोज यहां पे आप देख पा रहे हैं यहां पे मिनी कैलकुलेटर लिखा हुआ है जो कि है पब्लिक प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड। यहां पे सबसे पहले आपको चूज करना है कि एक्चुअली में जो आप प्रीमियम देना चाह रहे हैं वो मंथली देना चाह रहे हैं या ईयरली देना चाह रहे हैं। अगर मैं यहां पे बात करूं दोस्तों, मैं इसको एयरली चूज कर लेता हूं, मैं यहां पे एयरली चूज कर लेता हूं और एयरली मैं पे करना चाह रहा हूं यहां पे 1.5 लाख रुपए, तकरीबन 12,500 रुपए महीने का आता है, वही अमाउंट में यहां पे करने वाला हूं। अब मैंने जो पैसा पे किया HDFC बैंक को, टोटल मैंने 21 लाख रुपए पे कर दिया, जिसके ऊपर मेरे को मैच्योरिटी मिल रही है तकरीबन 72,39,229 रुपए की, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है, मैं बेयर मिनिमम की बात कर रहा हूं। दोस्तों अब यहां पे क्या होगा, जो भी लोग पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट खोलते हैं वहां पे क्या करेंगे, इसी पैसे को वो निकाल लेंगे पहले से पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अंदर। 15 साल के बाद उन्होंने देखा कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में मेरा 72 लाख हो गया है, अब इस पैसे को मुझे निकाल लेना चाहिए। लेकिन आपको नहीं रुकना है यहाँ पे आपको नहीं रुकना है दोस्तों, बस ये असली खेल, असली कंपाउंडेड इंटरेस्ट का गेम यहीं से स्टार्ट होता है। असली अगर मैं बात करूँ चक्रवर्ती ब्याज आपको यहीं से मिलना स्टार्ट होता है। अगर मैं बात करूँ पब्लिक प्रोविडेंट फंड को 15 साल में ख़त्म नहीं करना, हम इसको लेकर के चलेंगे 20 साल तक, और मैं बात करूँ जो 1.5 लाख रुपये आप साल का दे रहे हैं वो रोकना नहीं है आपको, दोबारा से आपको हर 5 साल के लिए, आपको हर एक साल का 1.5 लाख रुपए 5 साल के हिसाब से आपको पूरा 1.5 लाख रुपए जमा कराना है, वो 5-5 सालों के लिए भी, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, 72,000 है, अब यहां पे आपको टोटल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है दोस्तों, अभी तक आपका मिल रहा था सिर्फ और सिर्फ उतने पैसे के ऊपर जो कि था 72,39,229 रुपए के ऊपर, लेकिन अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा आपको वो 1.5 लाख रुपए प्लस कर दीजिए एक साल का, उसके बाद आपको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए उसको, उतने टोटल पैसे के ऊपर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, और जो वो पैसा कवर हो जाएगा वो तकरीबन होगा 1,44,00,000 रुपए 20 साल के अंदर। तो यानी कि पैसा ऑलमोस्ट डबल हो गया आपका। इसके अलावा दोस्तों यहां पे भी नहीं रुकना, अब यहां पे आपको 5 और सालों के लिए अपने पैसे को दोबारा से इन्वेस्ट करना है, यानी कि 20 साल के बाद भी पैसा नहीं निकालना, आपको निकालना है 25 सालों के बाद, और वहाँ पे 5 और सालों के लिए आपको इंस्टॉलमेंट नहीं रोकनी है। इसी तरीके से आप अपने पैसों को बल्कि डबल नहीं बल्कि ट्रिपल भी कर सकते हैं, ये पूरी कैलकुलेशन इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताई है। दोस्तों ये सारी की सारी कैलकुलेशन है, यही मेथड है पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट से मैं बात करूँ तो यहाँ पर पैसे को डबल करने के लिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ SDFC बैंक के पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में ये वीडियो
आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर से आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ में। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग अमेजिंग वीडियोज़ लेकर के आता रहता हूँ। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।